ओके तो अपना जो सेकेंड रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ मेटल के साथ में, वो आएगी। अपन लोगों ने सबसे पहले तो एसिड का रिएक्शन एक्टिव मेटल के साथ में किया, सॉल्ट और हाइड्रोजन प्लस हीट जनरेट किया। तो ऐसा हो सकता है मे बी कि जो बेस है वह भी रिएक्ट करे किसके साथ में, एक्टिव मेटल के साथ में, किसी भी मेटल के साथ में बेस रिएक्ट करे तो वो भी सॉल्ट, हाइड्रोजन और हीट जनरेट करे। यस, ऐसा होता है। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बेस, यहाँ देखिए, मैं इससे पहले वाले क्लासेस जब अप्रैल में अपन लोग क्लासेस चला रहे थे तो उसमें एक चीज़ बताई थी। वह चीज़ क्या थी बेटा? छोटा सा चीज़ बताया था कि जो हाइड्रोजन आयन होते हैं किसी भी आयनिक कंपाउंड में, यदि हाइड्रोजन आयन है, प्रेजेंट है, तो समझिए वह क्या है, एसिड है। और किसी भी कंपाउंड में जो कि एलिमेंटों से बनी हुई है उसमें यदि OH आयन है तो समझिए वो क्या है, बेस है। ओके तो यहाँ देखिए, जो सिंपल बेस है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का, वो हमने ले लिया। जब ये रिएक्ट करता है किसके साथ में, जिंक के साथ में, क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। तो क्या बन हो गया, यहाँ देखिए, यहाँ डाइसोडियम है, यहाँ नहीं है, तो यहाँ डबल कर दीजिए। अब क्या हो गया, सोडियम के जो नंबर्स हैं वह इक्वल हो गए, दोनों साइड बराबर हो गए। यस, उसके बाद में जिंक है, जिंक हुआ है, डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन का डबल है तो ऑक्सीजन का डबल है, और हाइड्रोजन का जो है, हाइड्रोजन इस तरह बनी हुई है, यह ऊपर चला जाता है। क्या तो कोई और है, दूसरा है, ले सकते हैं KOH। KOH जब रिएक्ट करता है किसके साथ में, कोई एक्टिव मेटल बता दीजिए, फिर से ले लीजिए आप जिंक को छोड़ करके Fe ही ले लीजिए, तो क्या बना लेगा, 2। तो ये बना लेगा 2 पोटेशियम Fe O2 प्लस हाइड्रोजन, और ये किस में चली जाएगी बेटा, एनवायरनमेंट में चली जाएगी। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं जा रही होगी। इसके जो नेक्स्ट अपन लोगों का रिएक्शन है, वह रिएक्शन सेकेंड वाला रिएक्शन क्या है, रिएक्शन ऑफ एसिड विद द कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। तो उसको देखते हैं, इसको यदि आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया तो मिटा देते हैं। मिटा दो, देखिए इसी में अब सेकेंड रिएक्शन अपन लोग बात करेंगे। ये तो आप लोगों ने फर्स्ट रिएक्शन देख लिया, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ किसके साथ में बेटा, एक्टिव मेटल के साथ में। दूसरा हमने क्या लिखा था, दूसरा हमने लिखा था रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट, लिखिए रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट कार्बोनेट। ओके कैसे फॉर्म करेगा इसको देख लेते हैं। बाइकार्बोनेट और एसिड जो है मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करता है तो सॉल्ट, वाटर और CO2 देता है। क्या कर बोल रहे हैं यहाँ, यदि एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ में बेटा, मेटल कार्बोनेट के साथ में, प्लस बाइक मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट के साथ में क्या फॉर्म करेगा, ये करेगा सॉल्ट, सॉल्ट फॉर्म करता है, देन वाटर फॉर्म करता है, सॉल्ट वाटर एंड हीट, सॉरी सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सॉल्ट वाटर एंड CO2 फॉर्म करता है। तो देखते हैं, HCl प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। ओके क्या फॉर्म करेगा ये, सबसे पहले देख लीजिए, सॉल्ट फॉर्म करेगा, तो इसको यहाँ मिला दीजिए तो ये हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, सॉरी कैल्शियम क्लोराइड,
कैल्शियम क्लोराइड। अब यहाँ देखिए जो क्लोरीन है उसका बैलेंस नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ क्लोरीन में 2 लिखा हूँ और इधर 1 ही है, सो दैट्स वाई इसके सामने में 2 कर दे रहा हूँ। ओके, अब जैसे ही ये बना उसके बाद क्या बनाएगा, ये वाटर बनाएगा, H2O बनाएगा। H2O बना लिया, अब क्या बच गया देखिए, यहाँ हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, देन CO2 बच गया। CO2 किस में चले जाएगी, एनवायरमेंट में चली जाएगी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा देख लेते हैं किसके साथ में, बाई कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन देख लेते हैं।